तो हेलो यार गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बलेनो के वाइपर के कंट्रोल्स किस प्रकार हैं। जैसे कि ये डेल्टा मॉडल है, तो इसमें बैक में और फ्रंट में दोनों में वाइपर्स आते हैं। डेल्टा मॉडल से बलेनो में बोथ साइड वाइपर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम कुछ जानेंगे कि उन्हें कैसे ऑपरेट करना है। खासकर बैक वाइपर को बहुत लोगों को नहीं पता होता है कैसे ऑपरेट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस, ये जो है ये लेफ़्ट साइड में जो ये कंट्रोल्स होते हैं, ये होते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। ज़्यादातर जनरली इंडियन कार्स में लेफ़्ट साइड में ही होते हैं वाइपर के कंट्रोल। कुछ जैसे वोक्सवागन या फिर फोर्ड की कार्स में राइट साइड में होते हैं, लेकिन जनरली मारुति में इधर ही दिए हुए होते हैं। तो अब हम पहले फ्रंट वाइपर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट वाइपर्स में अगर आपको सिर्फ एक बार वाइपर ऑन करना है, मतलब सिर्फ एक बार वो ऊपर जाकर वापस आ जाए और ऑफ़ हो जाए अपने आप, तो उसके लिए हम इसको ऊपर करेंगे। तो जैसे ही हम ऊपर करेंगे, तो ये जो तरीका था गाइस, ये वन टाइम था, वन टाइम यूज़ के लिए था। जैसे ही हम इसको मिस्ट पर करेंगे, वन टाइम यूज़ होके ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अगर गाइस हमें एवरी 5 सेकेंड में मिस्ट ऑन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम सिंपली इसे जो INT वाला ऑप्शन है वो कर देंगे, एक बार नीचे पुल कर देंगे, तो ये एवरी 5 सेकेंड में ऑटोमेटिकली ऑन होगा। देखिए, तो ये गाइस एवरी 5 सेकेंड वाला है। अब अगर रेन और भी ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो हम इसको और नीचे की साइड कर देंगे, LOP कर देंगे, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बट अगर बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है और इससे हमारा और भी तेज़ हमें करना है, तो हम इसको हाई पे कर देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो गाइस जब ये हम हाई पे कर देते हैं, तो अंदर फॉग भी जमने लग जाता है, उसके लिए हमें डिफॉगर ऑन करना पड़ता है। तो अब इसको हम ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ़ हो गया। अब गाइज अगर हमें वाइपर के साथ वॉशर भी ऑन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉगल दिख रहा है इसको हम अपनी तरफ पुल करेंगे और आपका जो है वॉशर ओपन हो जाएगा वाइपर के साथ। तो ये तो हो गई फ्रंट वाइपर्स की बात। अब हम अगर रियर वाइपर की बात करें, तो रियर वाइपर के लिए हमें जो इस टॉगल में देखना होगा, वो इस टॉगल के एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, तो वो रियर साइड आ जाएगी वाइपर की। तो इसको हमें ऊपर नीचे करना होगा रियर वाइपर को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर गाइस हमें खाली रियर वाइपर को ऑन करना है बिना वॉशर के, तो इसे अपसाइड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, विदाउट वॉशर ये वाइपर बैक वाला ऑन हो जाएगा। बट अगर गाइस हमें इसमें वॉशर यूज़ करना है वाइपर के साथ, तो हमें इसको इस वाले टॉगल को नीचे की साइड करना पड़ेगा, इसको पकड़ कर रखना पड़ेगा हमें नीचे की साइड करके। तो ये देखिए, नीचे की साइड करेंगे और इसे यहीं पर लॉक कर कर रखना पड़ेगा, और ये वॉशर जो है ये ऑन हो जाएगा वाइपर के साथ में। तो गाइस ये तो कुछ बात हो गई कि वाइपर्स को कैसे ऑपरेट करना है। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि वॉशर के लिए हम वाटर किधर से फिल करें, तो उसके लिए हमें बोनट ओपन करना होगा। तो ये कुछ इंजन में हमें देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है, इसमें हम वाटर फिल करेंगे। ये देखिए, इसमें वॉशर बना भी हुआ है, तो इसको ओपन करके हम इसमें वाटर फिल कर देंगे। ये ब्लू कलर का देख लीजिए, ये इस पर वॉशर बना भी हुआ है। तो गाइस एक जो मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा, जब भी आप इसमें वाटर फिल करें, तो एक चीज़ इसके अंदर डालनी है। तो देखिए, ये ECS स्टार जो चीज़ है, ये इसका नाम ECS स्टार है, स्क्रीन वॉश कॉन्सेंट्रेट इसे कहा जाता है, और ये जेन्युइन मारुति का है। तो ये डालना आप ज़रूरी समझें, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 15 रुपीज़ के लगभग ये आता है, और
ये जो है काफ़ी हद तक स्क्रैचेस जो विंड स्क्रीन पर पड़ते हैं वाइपर की वजह से उससे ये बचा लेता है। तो गाइस ये एक सजेशन मेरी तरफ से है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।